हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएसटी इन लाइफ ब्लॉग। आज हम लोग जानेंगे अट्रैक्शन मोटिव के बारे में। तो आइए चलते हैं वीडियो में, जानते हैं कि अट्रैक्शन मोटिव होता है क्या, कैसे अट्रैक्शन मोटिव वर्क करता है लोकोमोटिव के अंदर। वीडियो में देखते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे के ट्रैक्शन मोटर के बारे में, जिसका यूज हम ट्रैक्शन पर्पस के लिए करते हैं। दोस्तों, आप सभी के दिमाग में ये क्यूरियोसिटी तो होगा ही कि ट्रेन को जो चलाने वाली जो मोटर होती है वो कैसे दिखती है, क्या साइज होता है, कितने पावर की होती है, उनका जो पावर मॉड्यूल है या फिर उनका जो पावर मेजर करने का जो तरीका है वो किस चीज़ में है। तो हम लोग किसी भी मोटर का जो पावर है ना, वो मापते हैं किलोवाट या हॉर्स पावर में। अमूमन आप लोग छोटे छोटे मोटर देखते भी होंगे घर में जो यूज़ होता है, जैसे घर में जो यूज़ होने वाली मोटर होती है वो हाफ एचपी की होती है, 1.5 HP तक की होती है। वहीं अगर हम लोग आटा चक्की वगैरह में जाते हैं, जहाँ पर मिल के अंदर जो मोटर यूज़ होता है, तो वो लगभग 5 HP तक की होती हैं। वहीं अगर हम किसी बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, जहाँ ज़मीन से पानी को ऊपर निकाला जाता है, इतने हाई हाई लेवल, इतने ज़्यादा गहराई से, तो वहाँ पर लगभग हम लोग 20 से 40 HP तक के बीच में वो मोटर का हॉर्स पावर होता है वो किया जाता है। तो इतना तो हम लोग समझ ही जाते हैं कि मोटर का यूज़ लगभग क्यों किया जाता है। वैसे ही जो लोकोमोटिव है, तो चूंकि लोकोमोटिव उतने सारे वागन्स को खींचता है, ठीक है, तो वागन को खींचने के लिए उसका जो मोटर ट्रैक्शन जो मोटर होता है वो काफ़ी हैवी होता है। हैवी इन सेंस कहने का मतलब कि इसका जो हॉर्स पावर जो कैपेसिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि वो कितने कितने HP का होता है ट्रैक्शन मोटर। वैब 7 में कितने HP का लगाया जाता है, वैब 9 में कितने HP का लगाया जाता है, ठीक है। तो आइए फिर चलते हैं इस वीडियो में, आप भी इंजॉय कीजिए। ये जो आपको मोटर दिख रहा है ना, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। पहले जब लोकोमोटिव्स आए थे, तो पहले हम लोग DC करेंट इसमें सप्लाई करते थे, लेकिन इसमें फिर टेक्नोलॉजी डेवलप होते चला गया। आज के डेट में हम लोग जो है इसको 3-phase AC सप्लाई करते हैं। मतलब ये कि पहले इसमें DC सप्लाई करते थे और अभी इसमें AC करंट सप्लाई करते हैं। पहले के मुकाबले में जो DC मोटर होते थे वो उतने ज़्यादा हॉर्स पावर के नहीं होते थे, और सेकेंड चीज़ उतने कैपेबिलिटी उनमें नहीं होती थी। चूंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तो अब इनके अंदर कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई है। ये 3-phase AC मोटर है। दोस्तों, ये जो ट्रैक्शन मोटर होता है, ये इंजन के लोकोमोटिव इंजन के एक्सल पे लगे हुए होते हैं, और ये चारों एक्सल में लगे होते हैं, और ये एक्सल पे लगने चारों, और ये जो चारों मोटर होते हैं ना वो एक साथ ऑपरेट होते हैं, और इसी से ये इतना ट्रैक्शन पावर रिलीज करते हैं। दोस्तों, जो वैब सेवन जो लोकोमोटिव होता है, तो उसके अंदर जो ट्रैक्शन मोटर यूज़ होता है वो लगभग 850 किलोवाट का होता है। और अगर आप उस 850 किलोवाट को जब HP में कन्वर्ट करेंगे, तो लगभग 1140 HP का वो होता है। तो एक आप डिफरेंस देखिए कि कहाँ, मतलब बोरवेल में हम लोग 20 से 40 HP का मोटर यूज़ करते थे, और कहाँ लोकोमोटिव में लगभग 1140 HP। मतलब कितना पावर ये रिलीज करता है, कितना ज़्यादा, ठीक है। मैं बस इसी चीज़ को समझाना चाह रहा हूँ कि जो लोकोमोटिव में जो ट्रैक्शन मोटर होते हैं ना, वो कितने हैवी होते हैं, और इसीलिए इतना लोड खींच पाना बहुत संभव हो पाता है। वैसे वैग 9 में, वैग 9 का जो ट्रैक्शन मोटर होता है वो 1200 HP का होता है,
वैगनाइन, जो कि लगभग गुड्स ट्रेन में हम लोग यूज़ करते हैं। और गुड्स ट्रेन में आप ऑलरेडी जान ही रहेंगे कि कितना उसमें हमेशा जो कैपेसिटी होल्डिंग होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए इंजन भी काफ़ी तगड़ा होता है और ट्रैक्शन मोटर। तो दोस्तों, इससे तो आपको ट्रेन में यूज़ होने वाली मोटर्स के बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी हो ही गई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।